स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट में इंग्लिश फर्स्ट लेसन 34 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है अशोक गोज फॉर हॉलीडेज। अशोक नाम का एक लड़का है जो छुट्टियों के लिए अपने अंकल के साथ घूमने के लिए जाता है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को हम बुक के द्वारा पढ़ते हैं। लेसन 34, अशोक गोज फॉर हॉलीडेज। गोज मीन्स होता है जाता है, फॉर मीन्स के लिए, हॉलीडेज मीन्स छुट्टियाँ, अवकाश। अशोक स्कूल क्लोज फॉर द हॉलीडेज। अशोक का विद्यालय बंद हुआ छुट्टियों के लिए। अशोक हैड 2 वीक्स ऑफ हॉलीडेज। अशोक के पास 2 सप्ताह थे। वीक मीन्स होता है सप्ताह, किसके लिए, छुट्टियों के लिए उसे 2 सप्ताह मिले थे। His uncle, Mr. Krishna Lal, had promised to take him for holidays. Mr. Krishna Lal uncle हैं जिसने promise किया है कि वो अशोक को छुट्टियों के लिए ले जाएंगे। Take means ले जाना। He was a forest officer. Mr. Krishna Lal क्या है, एक forest officer है, वन अधिकारी। He wanted Ashok to spend the holidays with him in the forest bungalow. He wanted मतलब अशोक के अंकल, wanted means चाहते थे अशोक को कि वो उनके साथ अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करे। कहाँ पर, forest means जंगल के बंगलों में। A day after the school closed. स्कूल के क्लोज होने के बाद, विद्यालय के बंद होने के बाद, अशोक्स अंकल केम, अशोक के अंकल आए, केम मीन्स आए, टू टेक हिम फॉर हॉलीडेज, अशोक को हॉलीडे के लिए, अवकाश के लिए या छुट्टियों के लिए ले जाने के लिए। हिज अंकल केम इन हिज जीप, उसके अंकल जीप से आए। अशोक रैन टू मीट हिज अंकल, अशोक दौड़ करके अपने अंकल या चाचा से, मीट मीन्स मिला। अशोक, आई हैव नॉट मच टाइम टू स्पेंड हीयर। अंकल ने कहा कि अशोक, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं यहाँ पर बिताऊँ। स्पेंड मीन्स खर्च करना या व्यतीत करना। वी मस्ट लीव एट वंस, हमें यहाँ से जल्द ही जाना होगा। आई हैव सम अर्जेंट वर्क टू डू। मेरे पास कुछ, अर्जेंट मीन्स होता है आवश्यक, वर्क मीन्स कार्य, मेरे पास कुछ आवश्यक कार्य हैं करने के लिए। अशोक रैन टू हिज रूम, अशोक दौड़ करके अपने रूम में गया। ही पैक्ड हिज क्लोथ्स एंड द थिंग्स ही नीडेड फॉर द हॉलीडेज। उसने कुछ कपड़े पैक किए और जो ज़रूरत की सामग्री थी, सामान थे, उसे अपनी छुट्टियों के लिए पैक किया। Everyone in his family came to see of Ashok. Everyone means प्रत्येक, family means परिवार, परिवार के प्रत्येक लोग came means आए, see of Ashok, अशोक को bye bye या see of करने के लिए। अशोक's father lifted him up and gave him a kiss. अशोक के पिता ने अशोक को लिफ्ट किया, उठाया, एंड गेव हिम अ किस, और एक किस दिया, चुंबन किया। बाय बाय सन, यू मस्ट नॉट बी नॉटी ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अशोक के पिता ने कहा कि तुम ज़्यादा अपनी छुट्टियों के दौरान नटखटकार नहीं करना। अशोक्स मदर एम्बेरेस्ड हिम एंड सेड, अशोक की माता ने अशोक को गले लगाया एंड और सेड कहा, बाय माई सन, बाय मेरे पुत्र, यू मस्ट बी केयरफुल, तुम ध्यानपूर्वक रहना, डू नॉट गो आउट इन टू द फॉरेस्ट अलोन। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, अलोन मीन्स अकेले, अकेले जंगल में, गो मीन्स जाना नहीं, डू नॉट मीन्स मत, अकेले जंगल में बाहर मत जाना। हिज अंकल देन टुक अशोक टू हिज जीप, उसके अंकल ने अशोक को जीप में लिया। ही पुट अशोक्स बैग एट द बैक ऑफ हिज जीप, अशोक के बैग को, अशोक ने अपने बैग को पीठ पर रखा।
Ashok's family was standing in front of their house. Ashok's family was standing in front of their house. अशोक के परिवार वाले दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, सामने खड़े थे. In front of means सामने. अशोक waved to them and said. अशोक लहर जैसे जाती है वैसे चल. अशोक waved to them and said. अशोक waved means होता है हाथ हिलाना. जब कोई बाहर जाता है तो हम हाथ हिलाते हैं, वैसे हाथ हिलाते हुए उन्हें अपने परिवार वालों को कहा. सेड मीन्स कहना. गुड बाय पापा, गुड बाय मम्मी, गुड बाय एवरीवन. गुड बाय अशोक, सी यू सून, दे ऑल शाउटेड बैक. सभी ने जोर से चिल्लाया और अशोक को गुड बाय कहा. थैंक यू.